समय गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बजटू में संचालित एक संस्कृत विद्यालय में हूँ। इस विद्यालय की आप तस्वीर देखें तो प्रांगण आपको अच्छा लगेगा, विद्यालय का जो परिसर है वो आपको अच्छा लगेगा। डीएम प्रा सह मध्य संस्कृत विद्यालय बजटू, डीएम प्राथमिक सह मध्य विद्यालय संस्कृत बजटू कैंपस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर काफी लोग जुड़ेंगे, इस विद्यालय में जो समस्याएं हैं, इस विद्यालय में जो चल रहा है शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। आइए यहाँ के एक शिक्षक से पहले बात कर लेते हैं और उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? कैलाश माथुर। कैलाश जी आप इस विद्यालय में कब से पढ़ा रहे हैं? 1980 से। सैलरी कितना मिलता है? सैलरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता, फिर भी एक सरकार से अनुदान मिलती है। अनुदान मिलती है तो उस अनुदान की जो राशि है वो शिक्षकों में बट के आपके हाथ में अगर महीना का पूछा जाए लगभग एक अनुमान तो कितना आता है? 2,000-2,500 करके। 2,500-2,500 इससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो नहीं है लेकिन करें क्या। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि थोड़ा हम लोग पर भी ध्यान दिया जाए। हम लोग रात दिन करके बच्चों की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से और आशा में कि सरकार से हमें आज नहीं तो कल जरूर हमारी ओर नजर आएगी सरकार की और हम लोग की भलाई होगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया है। अब रिटायर की उम्र में आ गए हैं, 59 चल रहा है, 1 साल की मेहमान है। संस्कृत विद्यालय के एक शिक्षक हमारे साथ जुड़े थे, सुनकर हैरान हो जाएंगे आप कि आज के इस युग में भी 2,500-2,500 रूपये सैलरी वेतन या अनुदान जो कह ले आप पर काम कर रहे हैं ऐसे लोग जिनके पीछे एक बड़ा सा परिवार है और पूरा पूरा जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। 2,000-2,500 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3,000 रूपया पर मंथ प्रत्येक महीना इन लोगों को यहां पर पढ़ाने के बदले मिल रहा है सरकार की तरफ से अनुदान। चाहते हैं कि सरकार इन पर ध्यान दे। रिटायरमेंट अवकाश का भी समय आ गया है, 1 वर्ष बचा हुआ है। चाहते हैं कि अंतिम समय में भी अगर सरकार विचार कर लेती है और इनके लिए कुछ सोचती है, कुछ अच्छा करती है तो इनके बच्चों का भविष्य कम से कम ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। पूरा जीवन इन्होंने बच्चों को शिक्षा में व्यतीत कर दिया है, बच्चों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया है, लेकिन इनकी खुद की अगर बात की जाए तो खुद की जो स्थिति है वो अत्यंत दयनीय और चरमराई हुई है। मात्र 2,500-3,000 रूपये मासिक अनुदान की राशि इन्हें सरकार के द्वारा मिलती है बच्चों को पढ़ाने के बदले। स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, दयनीय है, खस्ता हाल है। इस बात को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए कि सरकार जिस तरह से विभिन्न विभागों पर मेहरबानी दिखाती है, कृपा दृष्टि बनाए रखती है, इसी तरह से इन शिक्षकों के ऊपर भी सरकार एक बार विचार करे और इनका जो अनुदान की राशि है उसको बढ़ाया जाए और इनके लिए भी एक उचित ऑनरेरियम, उचित जो इनका वेतन होना चाहिए उसको निर्धारित कर दिया जाए ताकि इनके परिवार का, इनके बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर सके। कोशिश है इन लोगों की कि बढ़िया से बढ़िया बच्चों को पढ़ाया जाए, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो उपेक्षा इनकी हो रही है, सरकार का जो उदासीन रवैया है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और आग्रह करते हुए यहाँ के शिक्षक कि सरकार अपनी कृपा दृष्टि इन पर बनाए और इनके लिए एक उचित मानदेय निर्धारित करें। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बजटू में संचालित एक संस्कृत विद्यालय में हूँ। इस विद्यालय के प्राचार्य मेरे साथ हैं, आइए सर से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? 225 बच्चे। और शिक्षक कितने हैं? 6 शिक्षक हैं। इस विद्यालय में पढ़ाई लिखाई जो बच्चों का है उसे आप संतुष्ट हैं, सब ठीक ठाक है या कोई समस्या है? नहीं, पढ़ाई के लिए तो संतुष्ट है लेकिन कुछ समस्या आ जाता है, समय पर पुस्तक नहीं हो पाता है, थोड़ा सा समय पर पुस्तक जो उपलब्ध नहीं होता है जिसकी शिकायत आप कर रहे हैं, क्या आपने इस समस्या से विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको अवगत करवाया है? हाँ सर, अवगत कराए हैं लेकिन हम लोगों को सरकार की ओर से पुस्तक समय पर नहीं दी जाती। बच्चों को जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्या बच्चों को यहाँ पर मध्याह्न भोजन का प्रबंध है बच्चों के लिए? हाँ सर, बिल्कुल सरकार की ओर से अच्छी तरह से मध्याह्न भोजन का प्रबंध है।
मध्याह्न भोजन में कहीं कहीं कुछ अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं। क्या इस विद्यालय में जो बच्चों को अगर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है और मेन्यू के हिसाब से है? क्या यहाँ जो 225 बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सभी विषयों की शिक्षा दी जाती है? जी हाँ, सबके विषयों की शिक्षा दी जाती है। बात आप लोगों की सैलरी की करते हैं, आप लोगों को जो वेतन मिल रहा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या आप अपने वेतन से संतुष्ट हैं? नहीं सर, वेतन से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या समस्या है? 180,000 अनुदान मिलता है। 180,000 रुपया सालाना जी। उसमें इसमें सभी शिक्षकों की सैलरी जी और इस वर्ष दुगुना हुआ है सर, इसलिए 180,000 सैलरी में ही मिला। संबंधित हम बताएंगे। 180,000 विकास विद्यालय विकास के कारण 180,000 सैलरी, 180,000 विद्यालय सभी शिक्षकों की सैलरी साल में उतने में बांटना है, उसी में बांटना है। और इधर जो वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है विकास मंद में चला जाता है। तो विकास में बात की जाए तो क्या क्या विकास में आप लोग कर रहे हैं? अभी पूरे विद्यालय का पहुँचा रसोई घर और साथ में जो विकास मत से आप लोगों ने विद्यालय का रंग रोगन करवाया, सौंदर्यीकरण करवाया और जो फर्नीचर है बेंच डेस्क टेबल कुर्सी इसकी आपने व्यवस्था करी। रसोई घर और रसोई घर में आपने क्या किया? रसोई घर में दीवार खड़ा किए, उसका ऊपर छाए। अच्छा चलिए, 6 शिक्षकों के लिए जो 180,000 का ईयरली पैकेज है सालाना अनुदान, वो आप लोगों के हिसाब से कम है आज के इस महंगाई के समय में। क्या मांग करेंगे सरकार से ये बताइए? हम लोग तो वेतन का मांग करते हैं सर, कि हम लोगों को वृद्धि देना है, वेतन के रूप में दीजिए। और इस सरकार से उम्मीद भी पूरा है कि हम लोगों को मिलने का चांस है और ये सरकार हम लोगों के लिए दुगुना से और अधिक वेतन भी दे सकती है। प्राचार्य संस्कृत विद्यालय बस्टू हमारे साथ जुड़े थे। विद्यालय में 225 बच्चे पढ़ रहे हैं, 6 शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 180,000 रुपया सालाना अनुदान सरकार की तरफ से मिलता है। 180 रुपया अनुदान के अतिरिक्त विद्यालय के जो दूसरे खर्च है उसके लिए भी सरकार प्रबंध करती है, लेकिन 6 शिक्षकों को 180,000 रुपया सालाना दिया जाना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में एक शिक्षक को महीने में कितना मिलता होगा इस 180,000 में। तो यहाँ के शिक्षक जो हैं वो तन मन और धन से बच्चों को पढ़ाने में, उनका भविष्य संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो यहाँ के जो शिक्षक है इनका खुद का वर्तमान और भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। 180,000 6 शिक्षकों के बीच साल भर में बटता है। यहाँ के जो प्राचार्य हैं हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने अपने असर से कहा है कि सरकार बहुत ही अच्छा है, सबका भला कर रही है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, सरकार हर एक आदमी के साथ है। तो इन्हें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों के ऊपर भी सरकार की कृपा दृष्टि होगी और इन लोगों का जो अनुदान है उसमें भी वृद्धि होगा। और एक जो इन्होंने मांग किया है बतौर मुख्य शिक्षक प्राचार्य इस विद्यालय के, कि इन लोगों की सैलरी, इन लोगों का जो वेतन है उसे निर्धारित कर दिया जाए, एक संतोषप्रद वेतनमान, जिससे इनके बाल बच्चों का वर्तमान और भविष्य जो है वो संवर सके, चल सके। तो उम्मीद करते हैं कि राज्य की हेमंत सरकार जो कि पूरे राज्य के लिए काम कर रही है, हर क्षेत्र और हर विभाग के लिए काम कर रही है, संस्कृत विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के विषय में भी सोचेगी और इन लोगों के लिए एक उचित ऑनोरेरियम मानदेय निर्धारित करेगी, ताकि इनका जो वर्तमान और भविष्य है।